बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। डाइस पे बैठे हुए तमाम डिग्निटरीज, मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ ZAC का और उनके ऑर्गेनाइजर्स के ये प्रोग्राम का, जिन्होंने मुझे MDA के ऑफिस बियरर के तौर के ऊपर यहाँ पर बुलाया है और कुछ बात करने के लिए कही है। ज़्यादातर स्पीच आप सुन चुके हैं और ये जो मौजू जो चल रहा है उसके अंदर माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन का कुछ काम हमने जो है कि ज़कात के सिलसिले में किया है, उस बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। उससे पहले ये मौजू को ज़रा थोड़ा सा तब्दील करते हुए, थोड़ा सा बाजू में लेके जाते हुए, एक चीज़ के ऊपर मैं सब लोगों का जहन बांटना चाहूँगा कि दुनिया भर के अंदर आज 10 सितंबर के दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में खुदकुशी के खिलाफ में एक मुहिम दुनिया भर में चलाई जा रही है और आज के दिन हर अस्पताल, हर गवर्नमेंट, दुनिया भर के हर गवर्नमेंट के तरफ से ये प्रोग्राम आज चालू है। इसलिए मैं और एक बार जो कि शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा मजमा मुझे आज यहाँ पर मिला है कि ये इस बारे में मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। ये सिर्फ नफ्सियाती डॉक्टर से जुड़े वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आप और हम से जुड़े वाली चीज़ें हैं। जब सुसाइड की बात निकली तो ये ज़कात ज़रूरियात के बीच में एक सुसाइड की जब बात आ गई, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, लेकिन मैं इस बारे में बाद में जाऊंगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सुसाइड के बारे में बात करना हमारे इसमें टैबू माना जाता, लोग परहेज करते कि सुसाइड के बारे में क्यों बात करें, ये चीज़ तो आम नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सुसाइड आम नहीं है? ज़्यादातर लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कभी तो भी हमको सुनने में मिलता है कि कोई इंसान ने सुसाइड खुदकशी की है, लेकिन दुनिया भर में 7 लाख लोग हर साल सुसाइड से अपनी जान देते हैं। 7 लाख लोग मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरा, सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में उसमें से 25% लोग खुदकुशी करते हैं, मतलब 1,65,000 लोगों ने सन 2021 में अपनी जान गंवा दी। और इसका एक हिसाब निकाला जाए तो हर 3 मिनट में हिंदुस्तान का एक आदमी अपनी जान दे रहा है। अब इसकी संजीदगी मैं इस तरीके से बता दूं, ये आंकड़ा एक्सीडेंट में जो जवान लोग मरते हैं उनसे ज्यादा है। जो यंग लोग जो 15 साल से 25 साल के अंदर जिस वजह से इंसान की जिंदगी जाती, वो सिर्फ उसका नंबर वन कॉज सुसाइड है, खुदकुशी है। और ये खुदकुशी एक वक्त में माना जाता था कि हमारे मजमे में ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में कम है, और कुछ रिकॉर्ड्स भी ये बताते थे कि मुस्लिम मुवक्किल के अंदर ये चीज़ें कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात एक वक्त के ऊपर काफ़ी सही थी, लेकिन ये आग फैलते फैलते हमारे माशरे में भी आ गई है और ये हमारे घर के नज़दीक तक आ गई है। एक सुसाइड की जो केस आपने कुछ दिन पहले अगर पढ़ी होंगी, व्हाट्सएप के ऊपर आई थी, तो मैं आपको एक बता दूं, एक इंसान जब खुदकुशी करता है तो उसके पीछे 50 से 200 लोग ऐसे रहते हैं जिसने खुदकुशी की कोशिश की है लेकिन जान नहीं गई। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं।
इसमें से ज़्यादातर लोग जो खुदकुशी करते हैं उनकी जो स्टडी है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, इन्होंने जो कि बताया कि ज़्यादातर जो लोग इसके अंदर जो खुदकुशी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, जो रोज़मर्रा का कारोबार करते हैं, डेली वेजेस वालों की है। दूसरा, खुदकुशी बड़े लोग करते हैं, अमीर करते हैं, गरीब करते हैं, इसके ऊपर भी जो डेटा आया है उसके अंदर 65% जो खुदकुशी है वो गरीब तबके के लोग करते हैं। जो 65% मतलब दो तिहाई से ज़्यादा ये मसले गरीब लोगों में ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, घरेलू मामलात, नौकरी, जो अनबन किसी के साथ, नौकरी का नहीं रहना, बेरोज़गारी, और इससे ज़्यादा संजीदगी की बात, जितने सुसाइड होते हैं उसमें से 8-9% सुसाइड ये स्टूडेंट्स और बच्चों में देखे जा रहे हैं, जिनकी उम्र 7 से लेके 15 साल के बीच में। हमको लगता है कि हम तो ठीक है सब, लेकिन जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन के बारे में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मेरे क्लिनिक के अंदर हर 15 दिन में एक 15 साल से कम बच्चा सुसाइड के थॉट्स या सुसाइड की कोशिश करके यहाँ पर नांदेड़ के अंदर यह हाल है। जबको हमको ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम अंग्रेज मौलिकायत के हैं, अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, नहीं, ये मैं जो बातें बता रहा हूँ उसकी हकीकत नांदेड़ की हद तक भी है। फिर ये दिन का सेलिब्रेशन क्यों करना है? सेलिब्रेशन अवेयरनेस कराने के लिए करना है, ताकि लोगों के अंदर खुदकुशी के बारे में नफ्सियाती हेल्थ, नफ्सियाती स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर आ जाए। जिस तरीके से हम हमारे जिस्म का ख्याल रखते हैं उस तरीके से हमको हमारे जहन का भी ख्याल रखना चाहिए, और इसके अंदर हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि कोई इंसान ने जो है खुदकुशी ना करें। हमको ऐसा लगता है कोई इंसान अगर खुदकुशी करा वो अपने खुद से कर लिया तो उसमें हमारा क्या रोल आया, वो तो अपनी जान खुद लेके बैठा है, हम कैसा रोकेंगे उसको। याद रखिए, खुदकुशी प्रिवेंटेबल है, इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है। आज देगलूरना के इलाके में अगर आप 10-10:30 बजे आएंगे तो पहले 2 बजे तक ये चलता था, तो SP साहब ने बाय हुक और क्रूक, डंडा या समझाने से यहाँ पर मर्डर के वजह से पूरा मार्केट बंद कर दिए। तो नांदेड़ में जितने मर्डर नहीं हुए पिछले साल भर में उससे कहीं पट खुदकुशी हुई है। लेकिन खुदकुशी को रोकने के लिए हमको ऐसे इंतजामात नज़र नहीं आते। कोई एक गलत कदम किसी लड़की से उड़ गया तो डायस के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें माशरात में बदलने के लिए आते हैं, लेकिन जब एक इंसान अगर जब से खुदकुशी से चला गया तब कोई ये बात नहीं करता कि क्या मामला है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर इंफरादी तौर के ऊपर और कम्युनिटी के तौर के ऊपर हम हमारा रोल अदा कर सकते हैं। सबसे पहले कोई इंसान को कोई नफ्सियाती तकलीफ हो, उसको दर्द हो, जिस्म का दर्द दिखकर आता, जहन का दर्द नज़र नहीं आता, तो जहन के दर्द को समझना सीखें। आज भी मुझे याद आता है कि कहीं गांव गए तो छोटे बच्चों के अंदर भी देखकर नानी दादी पूछती थी, बेटा ठीक तो हो? तो उसके अंदर जिस्मानी सेहत से ज़्यादा अगर आप नाराज़ हैं तो पूछते थे कि क्या वजह है। आज मैं देखता हूँ कि ये सवाल भी आजकल नहीं सा हो रहा है, किसी के चेहरे पे गम ज़दई, किसी के चेहरे पे मायूसी,
किसी के बातों में ना उम्मीदी हो तो हम हमारा पल्ला ऐसा झाड़ लेते हैं ये इसका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। वो इंसान कभी मायूसी की बात भी करने लगा, भी बहुत हो गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा, तो हम उसका इंफरादी मैटर है बोल के छोड़ देते और हम उसकी मदद करने से कहीं ना कहीं तो भी इनकार कर देते। तो सबसे पहले चाहिए कि कोई इंसान अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को समझें। वो तकलीफ मियाँ बीवी के झगड़े हो, कारोबार के अंदर की कोई नुकसान हो, कोई बच्चे की पढ़ाई के अंदर की मुश्किलात हो, किसी का जो है कि कोई जहनी अमराज हो या किसी को जिस्मानी बीमारी हो, जैसे डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर निकल गया, कोई अभी आपको डॉक्टरों को तो बोलते हैं, आपको किसी ने बोला अरे यार बहुत डायबिटीज़ निकल गई, शुगर बढ़ गई, तो हमारा काम है कि उसको दिल को क्या तकलीफ हो रही है वो समझें और उसको बात करने से रोके नहीं, उसके बातों को सुनिए और उसको मदद का हाथ दें। हम एक झटके के अंदर उसके सवाल, उसकी जो बातों को निकाल देते हैं। उसने कहा यार कारोबार ठीक नहीं चल रहे, अरे मियाँ सबके कारोबार बंद हैं, अब तुम्हारा तुम क्या लेके बैठे। दूसरा वो बोलते हैं अरे तुम्हारे कारोबार चले, अरे उसके अंदर क्या है, तुम थोड़ी कोशिश करो, दुकान दो घंटे पहले देखो सब ठीक हो जाता। तो ये चीज़ों में हम उसकी बातों को, उसको तकलीफ को नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारा काम है कि उसकी बातों को सुनिए और कहीं पर भी नाउम्मीदी की बात आ रही या ज़िंदगी से मैं उकता गया, ज़िंदगी में मुझे अब कोई रस नहीं रहा तो मैं, या जान देने की बात आई तो मैं चाहता हूँ कि उससे गुफ्तगू करें, उसको जो है कि उसके घर वालों से बात करें और एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें ताकि उसकी बातों को नज़रअंदाज न किया जा सके। ज़्यादातर लोग जो इस तरह की तकलीफ में मुतमला रहते हैं उनको जो है कोई काउंसलर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मुफ्ती साहब, आलिम, जो ख़ास तौर पे हर मस्जिद में मैं देखता हूँ कि जो बैठे हुए रहते हैं आपके मामलात के लिए, ये लोग आपके गाइडेंस सेंटर हैं। काउंसलर भी है, डॉक्टर भी है, वहाँ तक वो इंसान को लेकर पहुँचे ताकि उसको सही मदद उसकी की जाए। दूसरी जो चीज़ है कम्युनिटी लेवल के ऊपर है कि एज ए माशरा हम ये लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि आजकल दीन पे अमल करने वाले कम हो गए हैं और ये बात हकीकत भी है। मुफ्ती साहब हैं यहाँ पर, वो भी इस चीज़ को कहेंगे कि दीन पे अमल कम हो रहा है। तो एक साइंसदान में इस चीज़ के ऊपर काम किए, जो साइंस की स्टडी करके कि लोग आजकल मजहब पे अमल क्यों नहीं करते, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ज़्यादा अमल करते, मजहब पे कम अमल करते। तो उन्होंने ये पाया कि लोगों को जो उम्मीदें रहती मदद की वो उम्मीदें आज दीनी माशरा बोलकर आप पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट अगर उसको प्रोवाइड करती है तो उसका गवर्नमेंट पे अकीदा ज़्यादा और दीन की चीज़ों में अकीदा कम होता जा रहा है। अब बात ये आती है कि डॉक्टर साहब ने जो शुरू में कहा, मैंने बताया कि इसका यहाँ से क्या ताल्लुक़ है, सुसाइड प्रिवेंशन डे का आज के दिन से क्या ताल्लुक़ है। तो बात मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, दो तिहाई लोग ये अमीर नहीं होते, ये लोग गरीब होते हैं, उनके मामलात डेली वेजेस पे होते हैं, इनके इकोनॉमिक मामलात ठीक नहीं हैं। और अचानक जो लोग सुसाइड करते हैं अचानक इम्पल्स में, तो जो हमारे जो टीचर थे उनके जो तजुर्बे से बताते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस,
कुछ शेयर में कोई पैसे चले गए, बिजनेस में लॉस हो गया, अचानक अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई, ये नंबर वन अचानक सुसाइड की सबसे बड़ी वजह है। ये चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के तरफ से गरीबी हटाओ मुहिम चालू है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर दें आप, लेकिन दीनी तौर के ऊपर हमारे पास इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में हर जुमा में रमज़ान में हम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी इसके ऊपर अमल नहीं हो पाता। ज़कात नहीं निकालते, निकालते कितनी निकालते, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़कात का सही इस्तेमाल और इज्तिमाई इस्तेमाल सही तरीके से हो पा रहा है क्या, ये चीज़ के बारे में कम्युनिटी में बेदारी की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आज का जो दिन है, झेड़े सी के जो काम आज आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो दो तिहाई लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहा है। दीन के एक शोबे को आप तक लेके जा रहे हैं जिस वजह से उनकी मदद हो और वो मायूसी में से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। जो लोग अभी इस चीज़ की मदद ले रहे हैं, अल्लाह ताला और आपके रोज़ी में बरकत करें और आपको जो है कि ज़कात देने वाला बनाएं। जो लोग ज़कात दे रहे हैं अल्लाह ताला उनके जो है कि इसमें और बरकत दें ताकि वो और ज़कात देने वाले बने। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कि ज़कात के पैसे को इज्तिमाई एक शोबे के तौर पर पेश करके ज़्यादातर लोगों में पहुँचाए जाए। यहाँ पर मैं माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन ने ये ZAC के पहले ये जो काम चालू हुआ था, हमने जो है कि डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक पहल कदम उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 साल के अंदर तमाम डॉक्टर हजरात से हमने इज्तिमाई तौर के ऊपर ज़कात ली। और जो मुफ्ती साहब ने जो जहाँ जहाँ पर ज़कात दे सकते उसके स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हुए ज़कात लिए भी और उसको ट्रांसपेरेंट वे में ज़कात सही तरीके से पहुँचाने भी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के तरफ से पहले साल जो कि तकरीबन 4 लाख, दूसरे साल तकरीबन 6 लाख रुपए का तकसीम हुआ। उसके अंदर तकरीबन 12 फैमिलीज़ को अडाप्ट करके उनको सालाना राशन की जो है कि मदद की जाती है। तकरीबन 8 से 10 स्टूडेंट्स को हर साल अडाप्ट किया जाता है और उसको जो है कि मदद पहुंचाई जाती है। और इमरजेंसी फंड के तौर पे किसी के पास कुछ इंतकाल हो गया, किसी के पास किसी की कोई नौकरी अचानक चली गई और वो फैमिली जब किसी से मदद नहीं मांगती, ऐसे सूरत में नज़दीकी लोगों से मालूमात निकाल तक उन तक पहुंचकर मदद पहुंचाने के काम माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन ने की। आज के वक्त की ज़रूरत है। EMDA की जो बुनियाद जिस तरीके से हुई, मुझे बहुत खुशी है कि ZAC उससे भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें साथ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इसमें कम्युनिटी का तो बेनिफिट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि दीन के तौर के ऊपर लोगों के अंदर वापस ये अकीदा आ जाएगा कि दीन के ऊपर जो फॉलो करने से जो सिक्योरिटी रहती है, वो इज्तिमाई सिक्योरिटी जो हमारे अल्लाह ने निज़ाम में बनाई है, वो सिक्योरिटी का भी हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये चीज़ इंशाल्लाह हमारे दीन को, हमारी कम्युनिटी को और हमारे देश को आगे लेके जाएंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। वापस मैं दिए वाले वक्त से भी कुछ वक्त ज़्यादा मुझे देने के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का और एक बार शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके साथ मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।